माय डियर फ्रेंड्स एंड फ्यूचर डॉक्टर्स, एक बार बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का। एक ब्रेकिंग न्यूज लेके आए आप लोग के लिए। एनटीए की तरफ से जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो भरने का लास्ट डेट जो है पहले 9 मार्च तक दिया गया था, लेकिन अब इसे एक्सटेंड कर दिया गया है। जी हाँ, नीट एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने का डेट जो है वो एनटीए की तरफ से एक्सटेंड कर दिया गया है, और ये अब जो है 9 मार्च के बजाय 16 मार्च 10:15 तक आपका जो है वो ये फिलअप करने का टाइम दिया गया है। ध्यान रहे कि लास्ट डेट जो है रिसीविंग फी के लिए जो है वो 11:15 तक दिया गया है 16 मार्च का। तो निश्चित तौर पे जिन बच्चों को कुछ टेक्निकल एरर आ रहा था, फॉर्म फिलअप करने में प्रॉब्लम हो रही थी, उन बच्चों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है कि उनको 16 तारीख तक का डेट मिल गया है। अब आसानी से आप फॉर्म फिलअप करें, अब प्रॉब्लम भी नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से। और उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, कोशिश करूंगा मैं आपकी हेल्प करूं। तो एक अच्छा खबर है, और हम लोग बोल भी रहे थे कि नीट एप्लीकेशन फॉर्म का डेट बढ़ाना चाहिए क्योंकि बच्चों को प्रॉब्लम हो रही थी। बहुत सारे बच्चों का मैसेज भी आ रहा था कि सर हमें पिन जनरेट करने में दिक्कत हो रहा है, किसी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, किसी का फोटो अपलोड नहीं हो रहा था, तो बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही थी। लेकिन अब संभवतः ये डेट बढ़ाया गया एनटीए की तरफ से इसलिए ताकि जो भी एरर थे टेक्निकल वो सारे ठीक कर दिए जाएं और बच्चे आसानी से फॉर्म फिलअप कर लें। तो ये था आज का अपडेट, आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। और नीट काउंसलिंग से रिलेटेड जितने भी डाटा आपको चाहिए वो सारे के सारे डाटा आपको चंद्रहास सर ऐप में बहुत जल्दी अवेलेबल करा रहा हूँ। आप मेरे साथ नीट काउंसलिंग 2024 के लिए जुड़ सकते हैं। थैंक यू।